हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज के लेक्चर में अपन लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अपन लोग किसी भी चीज़ का कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ये आपको सीन व्यू दिख रहा है, इस सीन व्यू में ये कलर है ना, ब्लैक कलर है, आपको वाइट करना है, येल्लो करना है, वो कैसे करेंगे। या फिर आप कोई 3D गेम बना रहे हैं और आपको इन एक्सिस का कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। या फिर जो ये अपन लोग ड्रैग करते हैं तो ये येलो कलर में चल रहा है, अगर आपको कोई और कलर करना है तो वो कैसे करेंगे। और जब अपन लोग प्ले मोड पर चलते हैं तो क्या कलर आ जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाती है स्क्रीन और वैसा ही कलर आ जाता है। तो अगर आपको ये कलर चेंज करना है तो वो भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है वो समझते हैं गाइस। सो पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको इस कैमरा का कलर चेंज करना है तो सिंपली कैमरे पे जाना और यहाँ से उसका आप कलर चूज कर सकते हो, जिस कलर का आपको चाहिए। और अगर आपको सीन व्यू में चेंज करना है तो सिंपली आप जाना एडिट में, एडिट में जाके आपको जाना होगा प्रीफ्रेंसेस पे। जब आप इधर जाएंगे तो ये विंडो ओपन होके आ जाएगी जो कि कलर्स की है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर्स दिख रहे होंगे, जो अपनी ये 3D अपन गेम बनाते हैं तो आपको ये एक्स वाई जेड एक्सेस मिलती हैं, तो वो उनके कलर हैं। जब आप सेलेक्ट करते हैं कोई एक्सेस तो ये कलर येल्लो कलर में चेंज हो जाता है। जब आप प्रेस करते हो तो वो थोड़ा सा येल्लो कलर, हल्का येल्लो कलर में चेंज हो जाता है। ये वही कलर्स हैं गाइस। और जब आप प्ले मोड में जाते हो तो ये कलर हो जाता है थोड़ा सा हल्का, फाइन। और अगर आपको रेड कलर में चूज करना है, जैसे कि मैंने इधर रेड कर दिया प्ले मोड में और मैं इसको प्ले करता हूँ, तो हर चीज आपको दिख रही होगी रेड हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपन को ऐसा करना क्यों। ऐसा इस वजह से करना होता है गाइस, जब भी अपन लोग प्ले मोड में चल रहे होते हैं और कुछ भी चीज चेंजेस करते हैं तो वो हमारी यूनिटी में चेंज नहीं होता है। और बहुत से बिगिनर्स करते क्या है, वो चेंज कर देते हैं और फॉरगेट होते हैं कि वो प्ले मोड में है। इस वजह से अपन को ये जरूरी होता है कि कोई कलर अपन लोग रखें। तो अपन लोग प्ले मोड का ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। और जब एनिमेशन करते हैं तो आपने देखा होगा ये कलर्स आ जाते हैं, वो उसके लिए हैं। अब एक लास्ट चीज बता देता हूँ इस कलर के बारे में, जो आप ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। अब जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर है, मुझे कोई और चाहिए, आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से, तो आप कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं। एक चीज और कि अगर आपको पता नहीं है कि इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, जो ये दिखती है यहाँ पे वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, तो आप सिंपली करना क्या, इस पेन टूल को चूज करना। ये पेन टूल है ना यहाँ पे, किसका भी आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये बैकग्राउंड चूज करना है तो इस पे क्लिक कर देना, जो आपको ये पेन दिख रहा है इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखना कि जहां जहां मैं एरो ले जाऊंगा वो कलर इसमें फिक्स होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू पे ले गया तो ब्लू कलर हो गया बैकग्राउंड में। अगर आप यहाँ पे देखें बैकग्राउंड में ब्लू, थोड़ा सा ब्लैक और फिर ये वाला कलर वाइट, तो आप जो भी चूज करेंगे ना वो चूज हो जाएगा, इनमें से भी करना है तो वो हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही समझाना कि अपन लोग कैसे कलर चेंज करते हैं किसी भी चीज का, तो आप यूज कर सकते हैं। लास्ट चीज कि फाइनली आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत कलर चूज कर लिया, किसका कहाँ था आप भूल चुके हो, तो सिंपली यूज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना, तो जो जैसा था वो वैसा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।